हेलो स्टूडेंट, तो आज हम हाउ मच हाउ मैनी की प्रैक्टिस करेंगे। जो सेंटेंस मैंने अपने 8th वीडियो में हाउ मच हाउ मैनी वाले जो सेंटेंस थे वो मैंने आपको पढ़ा दिए हैं। आप मेरे 8th वीडियो में देखना, ये जो मैंने मतलब हाउ मच हाउ मैनी से किस तरीके से सेंटेंस बनाए जाते हैं, क्या इसका W होता है और कैसे, मतलब मैंने जो भी है 7th वीडियो में भी और 8th वीडियो में मैंने हाउ मच हाउ मैनी को समझाया है कि उसके सेंटेंसेस कैसे बनाए जाते हैं इन क्वेश्चन वर्ड से। ओके, तो आज हम करेंगे इसके बारे में प्रैक्टिस, जैसे कि आपकी ये टंग पर फिट हो जाए। तो अगर आपने सिर्फ कॉपी में लिखा है या ऐसे ही वीडियो देख लिया है, 7th और 8th वीडियो मेरा ऐसे ही देख लिया है, तो नहीं सीख पाएंगे। टंग पर और यहाँ माय में फिट करने के लिए उसको ना बोला जाता है, तो आप मेरे साथ में भी बोल के देख सकते हो। जैसे कि अगर मैं आपसे क्वेश्चन करूँ, और मैंने बता दिया पहले ही, फर्स्ट वीडियो में रूल दिए हुए हैं, सारे रूल्स उसी में ही हैं फर्स्ट वाले वीडियो में। तो अगर आपको पता है कि रूल्स में किस तरी रूल्स से आपने अगर सेंटेंसेस को बनाना सीख लिया है तो ही आप इसे बना पाएंगे, अदरवाइज नहीं बना पाएंगे। और रूल जो मैंने फर्स्ट वीडियो में दिए हैं उन सभी रूल्स में ये अप्लाई हो जाएगा, ये लग जाएगा। जैसे ताहे दिए में किस तरीके से लगेगा, ये हाउ मैनी हाउ मच ताहे दिए में कैसे आएंगे, कि आप एक दिन में कितने दोस्तों से मिलते हो, ठीक है। और रहा है दिए में मिल जाएगा, तुम आजकल कितने पैसे कमा रहे हो, और पैसे कमाने के अलावा, ये पैसे कमाने का तो मैंने उसमें भी बताया था, ये वर्ब ले नहीं तो दूसरी वर्ब ले लेते हैं हम, कि आजकल तुम कितना दूध पी रहे हो, या तुम कितना दूध पी रहे हो आजकल को छोड़ दो, तुम कितना दूध पी रहे हो, और ऐसे लिया है दिया है उसी में उसमें भी बन जाएगा ये, कि तुमने कितने मैंगोज खाए हैं, ठीक है। और ये टाइम प्लस रहा है रही है उससे भी बन जाएगा, जैसे कि तुम सुबह से कितने क्वेश्चन याद कर रहे हो, या फिर तुम एक महीने से कितने कपड़े खरीद रहे हो, जो भी है जिस तरीके से था तीसरे से बन जाएगा। तुमने कल कितने पैसे खर्च किए थे, रहा था रही से रही थी से भी बन जाएगा। वह कितना पानी ला रहा था, या कितने कितने कपड़े ला रहा था, या कितने चावल ला रहा था। तो कहने का मेरा मतलब ये है कि ताहे तिये से लेकर गा गी गे तक ये क्वेश्चन आंसर, जो ये जो क्वेश्चंस हैं वो किसी में भी आ जाएंगे, किसी में भी आ जाएंगे। और बनने का तरीका यही होगा कि W H then S V O जिस तरीके से मैंने आपको बनवाए हैं वही बनने का तरीका होगा। तो अगर इसका बनाने का तरीका देखना है तो मेरा 7th और 8th वीडियो देखिए, और इस वीडियो में है इसकी प्रैक्टिस। तो मैं आपको पहले से ही प्रैक्टिस, मतलब अभी मैं खुद से प्रैक्टिस करवा दे रही हूँ, और मेरा स्पीड तो वैसे मेरी इतनी ज़्यादा है ही नहीं जिससे तुम्हें समझ में भी नहीं आए। आप वहाँ से लिख सकते हो, लिख के प्रैक्टिस कर सकते हो, जैसे मैं बोल रही हूँ तो उसको लिख लो, फिर लिख के खुद से प्रैक्टिस कर लो। एक्चुअली मैं जैसे कि अगर मैं पूछ रही हूँ कि आप कितने सेंटेंस देते हो, आप रोजाना कितने सेंटेंस याद करते हो, या कितने सेंटेंस देते हो याद करने के लिए, जैसे कि कोई टीचर है उससे अगर कोई स्टूडेंट पूछ रहा है कि सर मैम आप कितने जो सेंटेंसेस हैं वो याद करने के लिए देते हो, तो जो टीचर होगा वो क्या आंसर करेगा, कि मैं 10 सेंटेंस याद करने के लिए देती हूँ, 5 सेंटेंस देती हूँ, 20 सेंटेंस देती हूँ, 100 सेंटेंसेस देती हूँ, जो भी है वो आंसर करेगा, या फिर मैं सेंटेंस याद करने के लिए नहीं देती, या 10 नहीं देती हूँ, 20 नहीं देती हूँ, जो भी है। तो ये क्वेश्चन कर लिया, आंसर पूछ लिया, सॉरी क्वेश्चन कर लिया, आंसर बता दिया, और अगर नेगेटिव है कि वो ये काम करता ही नहीं, तो नेगेटिव में भी आंसर बता दिया, ठीक है। तो क्वेश्चन मतलब हर क्वेश्चन की, यानी मैं तो हर रूल्स की प्रैक्टिस ही ऐसे ही करवाती हूँ, सबसे पहले क्वेश्चन, फिर आंसर, देन नेगेटिव आंसर, इस तरीके से ही होगी प्रैक्टिस। तो अब मैं हाउ मच हाउ मैनी की सिर्फ प्रैक्टिस ओरली करवा रही हूँ आपको, जैसे कि आप एक दिन में कितना डाटा यूज करते हो। अब डाटा तो अनकाउंटेबल है, ठीक है, तो इसको कैसे बोलेंगे, हाउ मच डाटा डू यू यूज इन अ डे, हाउ मच डाटा डू यू यूज इन अ डे। तो मैं एक दिन में 2 GB डाटा यूज करती हूँ, आई यूज 2 GB डाटा इन अ डे,
और मैं एक दिन में 2 GB डाटा यूज नहीं करती हूँ, तो आई डू नॉट यूज 2 GB डाटा इन अ डे। अब मैं इसको रहा रही वाले जा रही हूँ, आप कितने, आप कितना सोच रहे हो, या आप ये नहीं तो आप कितने मोबाइल खरीद रहे हो, तो कैसे बनेगा, हाउ मैनी मोबाइल, क्योंकि मोबाइल तो काउंटेबल है, हाउ मैनी मोबाइल्स आर यू बाइंग। मैं 2 मोबाइल खरीद रही हूँ, आई एम बाइंग 2 मोबाइल्स। मैं 2 मोबाइल नहीं खरीद रही हूँ, आई एम नॉट बाइंग 2 मोबाइल्स। आपने कितने क्वेश्चंस याद कर लिए हैं, हाउ मैनी क्वेश्चंस हैव यू लर्नड। मैंने 20 क्वेश्चंस याद कर लिए हैं, आई हैव लर्नड 10 क्वेश्चंस। मैंने 20 क्वेश्चंस याद नहीं किए हैं, आई हैव नॉट लर्नड 10 क्वेश्चंस। और अभी मैं टाइम प्लस रहा कर रही थी, मैं प्रैक्टिस करवा रही हूँ इसकी, तो उसमें आया कि आप 10 साल से कितने पैसे खर्च कर रहे हो, कमाने का बहुत हो गया, खर्च कर रहे हो, तो हाउ मच मनी, मनी अनकाउंटेबल है तो मनी के लिए क्या लगा, मच, तो हाउ मच मनी हैव यू बीन स्पेंडिंग फॉर 10 ईयर्स। हाउ मच मनी हैव यू बीन स्पेंडिंग फॉर 10 ईयर्स। मैं 10 साल से 2 लाख रुपए खर्च कर रही हूँ, आई हैव बीन स्पेंडिंग 10,000 रुपीज फॉर 10 ईयर्स। आई हैव नॉट बीन स्पेंडिंग 10,000 रुपीज फॉर 10 ईयर्स। ओके स्टूडेंट, एंड देन अब थाती से पर आते हैं, आपने उसे कितने पैसे दिए थे, हाउ मच मनी डिड यू गिव हिम, हाउ मच मनी डिड यू गिव हिम। मैंने उसे 2,000 रुपए दिए थे, आई गेव हिम 2,000 रुपीज। मैंने उसे 2,000 रुपए नहीं दिए थे, आई डिड नॉट गिव हिम 2,000 रुपीज। वह कितना सामान खरीद रहा था, तो हाउ मच गुड्स वॉज ही बाइंग। वह बहुत सामान खरीद रहा था, ही वॉज बाइंग अ लॉट ऑफ गुड्स। वह बहुत सामान नहीं खरीद रहा था, He was not buying a lot of goods. अब इसी तरीके से गागी के तक प्रैक्टिस हो जाएगी इसकी। अब मैं ये प्रैक्टिस अपने किसी स्टूडेंट के साथ में करती हूँ। हेलो, हाय मैम, हाय मैम, स्पीक लाउडली, ओके। आई हैव लिसेंट अबाउट यू दैट यू ऑलवेज टॉक ऑन फोन, व्हाई? And how many calls do you attend daily? I attend many calls daily. Who calls you? My friend call me daily. Why do they call you? They call me for playing cricket. Do you play cricket? Yes, I play cricket. Okay. How much time do you play cricket? I play cricket daily 2 hours. Okay. So, doesn't your family force you to study? Yes, my family force me to study. Okay, does your family force you to study? Yes, my family. No. Tell me, do you also go to play cricket? I want to play cricket, but my family force me to study. So, do you go to play cricket? No, I don't go to play cricket. And does your family force you to study? Yes, my family also force me to study. Then, do you go to play cricket? Yes, I go to play cricket. Taking permission from your family? Yes. Okay. So how do you go? Whenever I feel playing cricket, Whenever I feel like playing cricket, I go quietly. So, I think it is not good to hide something from your family. Do you also go hiding? I want to go to play cricket, but I can't go. Why? How? Why can't you go? He can go, then why you can't go? I don't have any permission for play cricket. So, hardly can't you go? No.
in my own house. Okay. Do you study daily? Yes, I study daily. After coming from playing, what do you do? Study. Study, yes. How much time do you study? I study 3 hours. So in 3 hours, how many questions do you learn? Can you learn? I can learn 2 chapters. In 3 hours? Yes. I have listened about you that your exams are going on. Yes, my exam are going on. So in exam time, do you also go to play cricket? No. Nowadays, are you going to play cricket? I am not going nowadays because I am not permitted to go. Yes. But you told that you go to play cricket hardly. Before exam, I used to go, but nowadays, I don't go. That's good. How are your exams going on? Yes, my exam are going well. Which subject is favorite? My favorite subject is science. And which is your favorite subject? My favorite subject is social science and science. Social science as well? Yeah. Many students get bored about social science and you are telling that my favorite subject is social science. That's good. Who teach you social science? Mm-hmm. Who teaches you social science? Shivam Patan ma'am teaches me social science, not me social science. Okay. What do you want to become in your future? I want to become in my future doctor. So, I think you are interested in science. Yes. Okay? That's right. Okay. That's really very good. And do you want to do preparation about NEET? Yes, I will preparation for NEET. Prepare up for NEET. After 10th class exam. Okay. So, from where will you prepare for NEET? Online or offline? Online. Online? Will you get subscription? No, only from YouTube. Will you study from YouTube only? Yes. That's really very good. Okay. Is there any version in YouTube? For NEET? Yes, many versions are there. For NEET? Yes. Can you clear all doubt? Yes. From YouTube? I have cleared my base in 10th class. Didn't you go anywhere for studying in 10th class? Yes, I go. I went. You went? Yes. To coaching, offline coaching or online? Offline coaching I went. Okay, and then you told me that you have cleared your doubt from YouTube. That's why I asked. How did you clear your doubt from YouTube? Sometime whenever I feel that my doubt is not clear, then I go on YouTube. Then you searched on YouTube? Yes. Okay, then okay, and your dad, I think many says that we can't study from YouTube, and you are telling that I can study by YouTube. That's really very good. And has YouTube cleared your doubt? Yes, YouTube can clear your all doubts. Okay, has your doubt been cleared by YouTube? Yes, my all doubt has been cleared by YouTube. Good. Thank you so much, and really so nice of you, student. Thank you.